हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। एनएचएम हरियाणा में वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है, उसी की अपडेट के साथ आप सभी के बीच हूँ। और हम लोग हैं एनएचएम हरियाणा में हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। सबसे पहला नोटिफिकेशन है जींद का। आप सबको पता होगा एनएचएम हरियाणा में सिलेक्शन क्राइटेरिया में चेंजेस हो चुका है, अब रिटन टेस्ट और इंटरव्यू नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। और आप सबको पता हो कि ये नोटिफिकेशन जो है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी जींद की तरफ से आया है। और यहाँ पे स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन सहित कई पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप सबको फॉर्म कब तक सबमिट करवाना है। तो 28 अप्रैल 3 बजे तक आप सबको एनएचएम ऑफिस ऑफ सिविल सर्जन जींद में जो है अपना फॉर्म सबमिट करवाना है। मोटे तौर पे वैकेंसीज की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कौन सी है। गायनकोलॉजिस्ट है, यहाँ पे कंसल्टेंट की वैकेंसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट वैकेंसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मैनेजर की वैकेंसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, और उसके साथ साथ लैब टेक्नीशियन की टोटल 17 वैकेंसीज हैं, उम्र 18 से 42, और स्टाफ नर्स की मैटरनल हेल्थ में 12 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट वाली वैकेंसीज यहाँ पे हैं जो संख्या में ठीक ठाक यहाँ पे दिखाई दे रही हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स के लिए। तो भैया ये पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पे कैटेगरी वाइज और सब चीज़ें वैकेंसीज दी गई हैं। ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, सेंसियल क्वालिफिकेशन के 30 नंबर रहने वाले हैं यहाँ पे, आपके परसेंटेज के हिसाब से होगा। 10 नंबर एक्सपीरियंस के हैं और 10 नंबर लोकल एरिया वेटेज के हैं। टोटल 50 नंबर पे मेरिट तैयार यहाँ पे होने वाली है। और लोकल एरिया वेटेज के लिए इन 6 में से कोई 3 डॉक्यूमेंट आप सबके पास होने चाहिए। तो अगर आप एलिजिबल और इंटरेस्टेड हैं और अपना फॉर्म यहाँ पे सबमिट करवाना चाहते हैं, तो आप सब जो हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, एनएचएम हरियाणा की वेबसाइट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको सबमिट करवा सकते हैं। 28 अप्रैल यहाँ पे लास्ट डेट बताई गई है। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू।